नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर पिन डॉट इन और मैं हूं हेमंत कुमार। दिग्गज समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का आज दिल्ली में निधन हो गया। जॉर्ज साहब बिहार से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। 8 बार वे बिहार से लोकसभा के लिए चुने गए। जॉर्ज साहब की स्मृतियां मेरे भी जहन में है। मैं जब स्कूल में था तो मैंने जॉर्ज फर्नांडिस को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा, लेकिन उनका जो चुनाव लड़ा जा रहा था मुजफ्फरपुर से, उस दौरान जो कटआउट बनकर पूरे बाजार में घुमाया गया, जिसमें जॉर्ज जंजीरों में जकड़े हुए थे, उसकी स्मृतियां मेरे जहन में आज भी ताजी है। जॉर्ज साहब गुजर गए तो उन दिनों की याद आज फिर से ताजा हो गई। जॉर्ज फर्नांडिस से मेरा निजी परिचय नहीं था। 80 के दशक में समाजवादी नेता स्वर्गीय मंजर लाल जी के सरकारी क्वार्टर में अचानक मुलाकात हुई। जॉर्ज साहब दिल्ली से आए थे, ट्रेन से उतरकर सीधे मंजर लाल जी के आवास पर पहुंचे थे। पायजामा और कुर्ताधारी जॉर्ज साहब के कंधे से खादी का लंबा झोला लटक रहा था। दोनों में बातचीत शुरू हुई तो मैं कमरे से बाहर आ गया। उसके बाद उनसे कभी आमने सामने मिलना नहीं हुआ, लेकिन जॉर्ज से मेरी स्मृतियों में हमेशा अपनापन बना रहा। मेरे दिमाग में उनकी दो छवियां हैं। पहले एक जुझारू नेता के तौर पर उन्होंने मुझे समर्पित किया, तो बाद में उनकी समझौता परस्ती से मैं निराश भी हुआ। तब 10 साल का था जब जॉर्ज साहब मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। देश के आपातकाल से खात्मे का वह दौर था। आपातकाल के उथल-पुथल से देश बाहर निकला ही था। राजनीति और चुनाव के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौर में इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी और जुलूस मुझे आकर्षित करते थे। पिता की पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में थी। हम लोग छोटी कल्याणी के पास किराए के मकान में रहते थे। जुलूस का शोर और नारे सुनते ही चुपचाप घर से निकलकर पीछे पीछे घूमने लगता था। एक दिन सुबह सवेरे नारेबाजी सुनी तो छोटी कल्याणी चौक पर पहुंच गया। ठेले नुमा चरपहिया गाड़ी पर लकड़ी के बने सेल के भीतर जॉर्ज साहब का कटआउट दिखा। जॉर्ज जंजीर में जकड़े दिखाए गए थे और उनके सिर पर बल्ब जल रहा था। चौराहे पर जमने वाली मंडली से सुन रखा था कि जॉर्ज को जेल में कठोर यातनाएं दी जा रही हैं। अचानक मेरे मन मस्तिष्क में सेल में बंद जॉर्ज साहब का कटआउट और जेल में उनको दी जा रही यातना की कहानियों का कोलाज सा बन गया। लगा जैसे मुझे मेरा योद्धा मिल गया। जुल्म, शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले नायक की अनवर छवि मानो मेरे बाल मन पर काबिज हो गई। एक जॉर्ज जेल में थे तो हजारों लाखों जॉर्ज सड़कों पर लड़ रहे थे। मैं न तो वोटर था न कोई नेता, लेकिन एक अनकहे आकर्षण ने मुझे यूं बांध लिया कि हर रोज घर से चुपचाप निकलकर जॉर्ज के कटआउट वाली गाड़ी के पीछे ढूंढने निकल जाता था। चुनाव खत्म होने तक यह सिलसिला चलता रहा। रेडियो पर खबर सुनी कि जॉर्ज चुनाव जीत गए। लगा जैसे मैं जीत गया। व्यक्त करना आता नहीं था, लेकिन गली मोहल्ले में खुशी मना रहे लोगों में अपनी खुशी भी जाहिर होती दिख रही थी। उस लड़ाकू जॉर्ज में बचपन से जो अनकहा रिश्ता बना, वह लंबे समय तक उत्साहित प्रोत्साहित करता रहा। बदलाव की बात करते जॉर्ज, मजदूरों और किसानों के हक की आवाज बुलंद करते जॉर्ज, और गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत में खड़े जॉर्ज ने जब खुद को बदलने का निर्णय लिया, तो मेरे मन में बसी उनकी सालों पुरानी लड़ाकू छवि अचानक दर्द गई। लेकिन उस टूटी हुई छवि से भी रिश्ता बना रहा, शिकायत का रिश्ता। लड़ने वाले जॉर्ज हमेशा याद किए जाएंगे। जॉर्ज की स्मृतियों को बिफोर प्रिंट परिवार की श्रद्धांजलि।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।